तो हम अपने कॉलेज में तुम सभी बच्चों को ये मान के चल रहे हैं कि अगर सिमेज में पढ़ते हो तो 3 साल के बाद यहां से जॉब लेकर ही निकलना है, और जॉब के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें आपके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम सभी लोग अभी जॉब के लिए किसी एंगल से रेडी नहीं हो। तो हमें तुमको जॉब के लिए प्रिपेयर कराना है, करियर के लिए प्रिपेयर कराना है। जॉब भी एक छोटी सी चीज है। सिमेज से जिन बच्चों ने पढ़ाई की और जिन बच्चों ने कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से प्लेसमेंट लिया, आज वो बच्चे देश ही नहीं विदेश में भी बड़े पैकेज पे काम कर रहे हैं। 70-80 लाख के पैकेज पर फॉरेन कंट्रीज में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत सबकी कहां से हुई? सिमेज में किसी कोर्स की पढ़ाई से, पढ़ाई के बाद जो हम इंडस्ट्री कोर्सेज कराते हैं उनकी तैयारी से, और उसके बाद प्लेसमेंट से। मैं ये भी बता दूं, अगर किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सिमेज की पढ़ाई आसान है, तो आसान नहीं होने जा रही है। ये आप सब लोग समझ लीजिए, आसान नहीं होने जा रही है पढ़ाई। आसान बहुत सारे अन्य कॉलेजेस में आपकी पढ़ाई हो सकती है। वहां जाइए, पैसा दीजिए, तुरंत एडमिशन होगा, एकदम आसान काम। कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से साल भर घूमिए फिरिए, और एग्जामिनेशन हो तो एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जाके ले लीजिए, जाके चोरी से एग्जाम दे दीजिए। इसका अंजाम ये होगा कि आपके पास एक डिग्री आ जाएगी, लेकिन उस डिग्री से कुछ होगा नहीं। ये बात मैं आपको और बता दूं कि तुम सब लोग जिस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए आए हो, तुमसे पहले इस राज्य के हजारों लोग वो कोर्स को पूरा कर चुके हैं और पूरा करके अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। मैं ये पहले बता दूं, तुम जिस कोर्स को करना चाह रहे हो, अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं पर ये वहम होगा कि इस कोर्स को करने से सबको नौकरी लग जाती है, तो लाखों लोग यही कोर्स करके सड़क पे बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं पहले बता दूं, कोर्स में वो बात नहीं है। बीबीए बीसीए करके तमाम कॉलेजेस के लोग सड़क पे अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। ये सिमेज के बीबीए और बीसीए की बात है कि सिमेज का स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड नहीं घूम रहा है जो पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिस बीबीए और बीसीए कोर्स की हम बात करते हैं, वो कोर्स विश्वविद्यालय ने 1996 में बनाया था। बिहार में जो विश्वविद्यालय चलते हैं, उस कोर्स का सिलेबस 1996 में बना था। मगध यूनिवर्सिटी का कोर्स जो अब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बन गया है। एक और यूनिवर्सिटी आई, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, उसका सिलेबस 2006 में बना। तो 96 का सिलेबस और 2000 के सिलेबस में, 2006 के सिलेबस में थोड़ा फर्क है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन ये भी हम 2023 में हैं, और पढ़ाई पूरी करके तुम 2026 में निकलोगे। तो अगर तुमको लगता है कि 1996 के सिलेबस की पढ़ाई तुम 2023 में करोगे और 26 में वो तुमको जॉब के लायक बना देगा, तो मुझे लग रहा है कि आईटी के और सूचना क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में कितनी तेजी से चीजें बदल रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें 5 साल पुराना भी मोबाइल फोन दूं, तो क्या तुम लोगे टेक्नोलॉजी को पसंद करोगे? क्या 5 साल पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम, 5 साल पहले का व्हाट्सएप का वर्जन तुम्हारे मोबाइल पे चलेगा? नहीं चलेगा। आज तुम एक मोबाइल फोन लेते हो, उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, गूगल पे इंस्टॉल करते हो, पेटीएम इंस्टॉल करते हो, कुछ दिन के बाद मैसेज आता है अपडेट द सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर भी कहता है कि इसको अपडेट करो, पुराना वर्जन अब नहीं चलेगा, इसमें कुछ चेंजेस आ गए, बदलाव करो। तो ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर सिलेबस अपडेटेड नहीं होगा तो तुम इंडस्ट्री के लायक नहीं बनोगे। और सिमेज में हम जो पढ़ाई कराते हैं उसमें इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज भी हम कराते हैं। इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज का मतलब क्या हुआ? अगर हम बीसीए की पढ़ाई कराएंगे तो हम साथ में वो भी चीजें पढ़ाएंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे जो अभी किसी सिलेबस में नहीं है, हम IoT पढ़ाएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट से चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए, हम रोबोटिक्स पढ़ाएंगे, हम एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, हम ChatGPT पढ़ाएंगे, और ये सारी चीजें सिलेबस में नहीं है। तो अगर तुम एडवांस चीजों को नहीं पढ़ोगे तो एडवांस कंपनी के लायक कैसे बनोगे? कॉमन सेंस की बात है। अकेले सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का प्लेसमेंट बिहार के सारे कॉलेजेस के प्लेसमेंट को जोड़ दो तो भी सिमेज का अकेला प्लेसमेंट उससे ज्यादा होगा। इस साल 2023 में 550 से ज्यादा ऑफर लेटर मिल चुके हैं हमारे बच्चों को, और इंटरव्यू कल भी एयरटेल का चला है जिसका आज फाइनल राउंड होने जा रहा है। एक एक बच्चे के पास 10-10 कंपनियों का जॉब है। हमारे एक जगह से ऑफर नहीं मिला, 10-10 जगह से ऑफर मिला। टेली परफॉर्मेंस से मिला, फ्लिपकार्ट से मिला, ICICI बैंक से मिला, विप्रो से मिला, TCS से मिला, एक्सेंचर से मिला, कैपजेमिनी से मिला,
रिलायंस से मिला, कई जगहों से ऑफर्स मिले बच्चों को, एयरटेल का इंटरव्यू अभी चल रहा है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनको कहीं से ऑफर नहीं मिला। हम आपको गोद लेने के लिए तैयार नहीं है, पहले समझ लीजिए कि सर आप हमको गोद ले लीजिए, 3 साल बाद हमारे मुंह में चप्पल से डाल दीजिएगा जॉब, ये सब नहीं होता। हम आपको पढ़ाते हैं और सिमेज में अगर एडमिशन लोगे तो रेगुलर पढ़ाई होगी मंडे टू सैटरडे, इसको समझ लो। पढ़ने वाले बच्चे अगर नहीं हो तो दिक्कत नहीं है, अगर आगे पढ़ने वाला बनना चाहते हो तो, लेकिन आगे भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो दरवाजा इधर है। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन मत दें, अभी ही बाहर निकल जाएंगे, नहीं ये हम कुछ और सोच नहीं था। यहां रोज 4 से 6 घंटे की पढ़ाई होगी, मिनिमम 8-8, 9-9 घंटे की भी पढ़ाई हुई है एक दिन, और वो एक दिन नहीं, वो रूटीन चला है 2-2, 3-3 महीने तक का। तो हर रोज यहां 4 से 6 घंटे की पढ़ाई का रूटीन बनेगा, सोमवार से शनिवार तक आपको 4 से 6 घंटे कॉलेज में पढ़ना है, और घर जाने के बाद इन चीजों को रिवाइज करने के लिए भी आपको 4 से 6 घंटे का वक्त चाहिए। आज टीचर ने क्या पढ़ाया, उसका होमवर्क क्या है, उसमें क्या असाइनमेंट करना है, कल क्या पढ़ाएंगे, थोड़ा उसको एक नजर में डाल लूं। पढ़ाई एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है, आप कॉपी लेके आएंगे कि हाँ आज क्या पढ़ाएगा सर, अच्छा, ऐसे नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आज इस विषय की पढ़ाई होगी तो मैं थोड़ा ओवरव्यू ले लूं ताकि मुझे मालूम रहे कि आज क्लास में क्या होने वाला है। एवरीबॉडी एम क्लियर द पॉइंट्स? तो सिमेज में पढ़ना तो पड़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, और पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पढ़ाना हमारी मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि इस बच्चे को मैं आधे घंटे पढ़ा दूंगा और नौकरी के लायक बन जाएगा, नहीं बन पाता है, इसको रोज रगड़ना पड़ता है 3 साल तक। और ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर 3 साल तक आप रोज डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में पढ़ाई करेंगे, रोज सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करेंगे, तब आप में ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और हमारा पर्पस केवल यूनिवर्सिटी एग्जाम को पास कराना नहीं है, स्पष्ट समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैं किसी प्रोग्राम में था और किसी कॉलेज के प्रोफेसर मुझसे मिले और उन्होंने बोले कि पोदार सर इतने साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत अनुभव हो गया, किसी सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कॉलेज का। उन्होंने बोला कि पोदार सर इतने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, इतना अनुभव है कि 8 क्वेश्चन पे टिक लगा देते हैं और उसमें से 5 क्वेश्चन लड़ जाता है। तो मैंने बोला तो बच्चे को आप यही 8 क्वेश्चन बताते होंगे, बोला बस यही पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा उनको कि साल भर में आपसे बच्चा 8 क्वेश्चन सीख के किस लायक बनेगा, बोला उससे हमको क्या मतलब, हमको तो कोर्स पूरा कराना और हम जो बोलते हैं वही एग्जाम में लड़ भी जाता है, 8 क्वेश्चन पढ़ लेगा तो बच्चा फेल नहीं हो सकता, इतना हमको अनुभव है, इतना हम क्वेश्चन गेस कर लेते हैं। तो ये गेसिंग सिस्टम से काम नहीं चलेगा, हम आपको 5 और 8 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम आपको कई चीजें कराएंगे। हमने सिलेबस को कैसे डिजाइन किया है, आज इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, आईटी इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, मैनेजमेंट इंडस्ट्री की क्या है, बैंकिंग सेक्टर क्या चाहते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह की चीजें आ गई है, कौन कौन सी चीजें हमें उनको पढ़ाने की जरूरत है, कैंडिडेट में क्या टैलेंट होना चाहिए, किस तरह के स्किल की बात होनी चाहिए, और हम वो चीजें प्रैक्टिकल तरीके से कराते हैं। तुमने सिमेज का लोगो देखा होगा, उसके नीचे में लिखा हुआ है नॉलेज स्किल सक्सेस। हम नॉलेज की बात नहीं करते हैं, नॉलेज भी जरूरी है, वो पहला लेवल है, नॉलेज के बाद अगली चीज आती है स्किल। जैसे मुझे ये तो नॉलेज है कि आटा कैसे गूंदा जाता है और रोटी गोल कैसे बेली जाती है, ये नॉलेज है, लेकिन मुझसे आटा सही से गूंदाता नहीं है और रोटी मुझसे गोल नहीं बनती है, वो इस बच्चे से बनती है क्योंकि इस बच्ची के पास गोल रोटी बनाने का स्किल है। तो स्किल का मतलब होता है एबिलिटी। लेकिन दूसरे केस में मुझे गाड़ी चलाना आता है, मैंने इस लड़की को भी बता दिया कि गाड़ी में यहां ब्रेक है, क्लच है, एक्सीलेटर है, ऐसे गाड़ी चलती है, नॉलेज इसको भी है लेकिन इससे गाड़ी नहीं चल सकती। तो एक्चुअल चीज है नॉलेज से एक कदम आगे बढ़ के क्या चीज है, स्किल। तो पढ़ाई जब हम सिमेज में तुमको कराएंगे, अगर तुम आईटी का कोर्स करने आए हो तो तुम वेब पेज डेवलप करो, तुम कोडिंग करो, तुम डिजाइनिंग करो, तुम वेबसाइट मेकिंग करो, एंड्रॉइड ऐप अगर तुम सीख रहे हो तो मोबाइल के लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाओ, अगर रोबोटिक्स सीख रहे हो तो रोबोट्स को कमांड करो अपने लैपटॉप से, रोबोट्स को प्रोग्राम करो। ये चीजें हम एक्चुअली कराते हैं। अगर तुमको लगता है कि बीसीए किए हुए कर ये चीज कर लोगे, नहीं सर, ये चीज कर लोगे, नहीं सर, तो ये ठीक वैसी बात है कि ये बच्चा कहेगा कि हम टाइपिंग सीखे हुए हैं और मैं कहूंगा टाइपिंग कर लोगे, तो नहीं सर आता नहीं है,
सीखे थे भूल गए, तो ऐसे लोगों को कौन टाइपिस्ट बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिमज में तुम्हें स्किल डेवलपमेंट का काम करना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है वो है डिसिप्लिन। क्या तुम लोग जानते हो कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस, कोई भी एमएनसी इन डिसिप्लिन लोगों को रखना चाहेगा अपने यहां? नहीं रखना चाहेगा, सबको डिसिप्लिन लोग चाहिए। तो सिमज में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ उल जलूल का लंबा हेयर स्टाइल, कान में बच्चे झुमकी डाले हुए हैं, ये सब सिस्टम नहीं चलता है। डिसिप्लिन तरीके से रहना है। हमारे कॉलेज में कोई रैगिंग नहीं होती है, किसी को रैगिंग की जरूरत नहीं है, कोई सीनियर परेशान नहीं करता है। आप ढंग से पढ़ाई करिए, वेल डिसिप्लिन तरीके से रहिए। कई एक लोगों को लगता है कि सिमज ऐसी जगह है जिस बहाने हम अपने माता पिताजी को बोल देंगे कि पटना में सिमज में पढ़ रहे हैं और माता पिताजी पटना में हमको कमरा दिलवा देंगे, हॉस्टल दिलवा देंगे और हम यहाँ पे बहुत घूमेंगे और कॉलेज नहीं आएंगे और दूसरा फैल फितूरी करेंगे। मैं बता दूं, हर महीने तुम्हारे माता या पिताजी का नंबर हम लेंगे और तुम्हारे माता या पिताजी को हर महीने तुम्हारे कॉलेज का अटेंडेंस रिकॉर्ड व्हाट्सएप करेंगे, एसएमएस करेंगे। इस महीने कॉलेज में 150 क्लास हुई, आपके बच्चे ने 100 क्लास अटेंड किया। अब जिम्मेदार माता पिता का काम है कि वो अपने बच्चे से चेक करे कि तुम 50 क्लास कैसे मिस कर गए, 20 क्लास कैसे मिस कर गए, कहां गए। अब माता पिता अगर गैर जिम्मेदार हो तो बच्चा गैर जिम्मेदार है तो कुछ फर्क की बात नहीं है। इसका अंजाम ये होता है कि अगर हम देखते हैं कि बच्चे रेगुलर नहीं है, हम आपका नाम काट सकते हैं। 75% अटेंडेंस मस्ट है। कोई इसको दुकान समझने की कोशिश नहीं कर करे कि फीस दिए हैं तो एग्जाम कैसे नहीं दिलवाइएगा, ये सब नहीं होता है। और मैं आप लोग को बता दूं, शायद आपको अभी लोगों ने नहीं बताया होगा, हमने पिछले बार कई बच्चों का फॉर्म भरने से रोक दिया, फीस का इससे लेना देना नहीं है। 75% अटेंडेंस मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 75% का मतलब ये हुआ, अगर एक महीने में 24 क्लास हुई, 5-6 दिन संडे और छुट्टी के निकल गए, तो आपको 18 क्लासेस अटेंड करना है फॉर्म भरने के लिए, दैट इज द मोस्ट मिनिमम। अब कोई ये बच्चा ना सोच ले कि अच्छा 75% ना, नहीं, हमारे यहां ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 100% अटेंडेंस रहा है और वो 100% क्लासेस किए हैं। अगर कोई बच्चा ये डिसाइड कर ले कि वीक में पोदार सर आपकी में 4 सप्ताह की क्लासेस होती है, 3 सप्ताह करूंगा, 1 सप्ताह छुट्टी करूंगा, तो 75 का हो सकता है एक क्राइटेरिया हो जाए, लेकिन इस 1 सप्ताह का जो क्लास था इसमें मैं कुछ पढ़ा रहा था कि नहीं पढ़ा रहा था, इसमें कोई नॉलेज था कि नहीं था, था तो ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कॉलेज में हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है और वो है बैकलॉग कवर करने का। ये भी सिस्टम से आप लोग अवगत हो। मान लिया कि कॉलेज में एक दिन में 6 क्लासेस हो रही है, मैंने बोला 4-6 घंटे की क्लासेस होगी, हर क्लास लगभग 1 घंटे की होती है, 50 मिनट 1 घंटे की क्लासेस होती है। अब मान लिया कि ये बच्चा आज नहीं आया, कि आज बादल गरज रहा है तो कॉलेज नहीं जाएंगे, तो आज 6 क्लासेस होती है, आज की इसकी 6 क्लासेस मिस हो गई। अब अगले दिन जब ये बच्चा आएगा तो इसको सारे क्लास में अपना वर्क कंप्लीट करना है, हर क्लास के लिए 3 पेज का वर्क। ये ध्यान रहे, इसका क्या मतलब हुआ, कल 6 क्लासेस हुई जिसमें से 1 क्लास मेरी थी और मेरे जैसे से 5 टीचर की थी, तो अगले दिन जब मैं आएगा, ये आएगा, तो मैं इसको क्लास के बाहर रोकूंगा, कहूंगा पिछले क्लास में तुम एब्सेंट थे, पिछले क्लास का वर्क दिखाओ, और इसे मुझे 3 पेज का वर्क दिखाना पड़ेगा तभी मैं इसको क्लास में अलाउ करूंगा, नहीं तो अगले दिन की क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा। इस सिस्टम को आप लोग समझ लें। तो अगर एक बच्चा मान लिया 6 क्लास होती है और नहीं आया, तो इसका यह मतलब हुआ कि अगले दिन इसको 18 पेज का काम तैयार करना होगा। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? अब आप समझ लीजिए कि आप छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आपको हमारे बच्चों को TCS, विप्रो, ICICI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि ये कंपनियां बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, पुणे में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है, दिल्ली में है, इन कंपनियों के लायक हम आपको यहां पे तैयार कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब हुआ कि इन कंपनियों में, इन MNCs में बड़े प्रोफाइल पर जाने के हिसाब से आपको पटना के इस कॉलेज में रह के बन जाना पड़ेगा। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका अंजाम ये होता है कि हमारे बच्चों ने फाइनल
सेमेस्टर का, जो छठा सेमेस्टर है, उसका एग्जामिनेशन 15 दिन पहले दिया, लेकिन कंपनियों के जॉब ऑफर उनके पास एक महीने पहले से, यानी एग्जामिनेशन फाइनल ईयर का बच्चों ने बाद में दिया, जॉब ऑफर उनको पहले मिल गया, यानी कोर्स बाद में खत्म हुआ, जॉब नौकरी उनको पहले मिल गई। लेकिन मैं बार बार बता दूं, आपको जॉब दिलाना सिमेज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप कॉलेज में रेगुलर नहीं रहेंगे तो जॉब तो छोड़ दीजिए, हम एग्जामिनेशन का परीक्षा फॉर्म भरने नहीं देंगे, आपको बैकलॉग लग जाएगा, ये ध्यान रहे। तो सिमेज में मैं आज उन्हीं बच्चों को बुलाना चाह रहा हूं जो बच्चे पढ़ना चाहें। अगर आपको लगता है कि सर मैं करियर बनाना चाहता हूं, मुझे पढ़ना है, तो आपका स्वागत है। जैसे एक बर्तन को, मट्टी का जो बर्तन होता है ना, उस बर्तन को अगर बनाना हो तो उसको पहले रौंदना पड़ता है और उसके बाद उसको मिट्टी में हाथ से शेप देना पड़ता है, कभी ढीला छोड़ना पड़ता है, कभी टाइट करना पड़ता है, तब जाकर के वो शेप बन पाता है और उसके बाद उसको आग में तपा दिया जाता है और उसके बाद वो मट्टी का बर्तन इतना मजबूत हो जाता है कि आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय का खुदाई हुआ और खुदाई में उन मिट्टी के बर्तन मिल रहे, लोहा तो सड़ के खत्म हो गया लेकिन मिट्टी का वो पका हुआ बर्तन, बर्तन सड़ के खत्म नहीं हुआ, वो इतना मजबूत हो जाता है। तो ये चीज आप सभी लोग समझेंगे, सिमेज में रेगुलर क्लास, आप सभी लोग इसके लिए रेडी हैं? ऑलराइट। मैंने जो डिसिप्लिन की बात बताई कि डिसिप्लिन में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रहे। अच्छा, ये भी, इसका ये नहीं मतलब हुआ कि सिमेज कोई जेल है, ये जेल नहीं है। छुट्टियां लोगों को दी जाती है, इमरजेंसी है तो छुट्टियां मिलती है, लेकिन इमरजेंसियां कब होगी? 3 साल में हर 3 महीने पर इमरजेंसी होगी, हर महीने इमरजेंसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और सब बच्चे के साथ हो जाएगी कि सर हमारा 3 महीना से इमरजेंसी नहीं हुआ तो आज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी कभी कभार होती है, मेडिकल केस आ गया, कोई ऐसा इश्यू आ गया, उसके लिए हम समय देते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता क्या है, हमने क्या देखा कि रक्षाबंधन आएगा तो बहनें गांव चली जाएंगी, अब फिर मम्मी कहती है कि बहुत दिन बाद आई हो, 15 दिन रुक जाओ। अब 15 दिन अगर आप रुक गए और एक दिन में 5 क्लास हो रही है और 15 दिन अगर आप गांव रुक गए कि इतने दिन बाद आए हैं तो भाई से मिल ही जाएंगे, तो 75 क्लास मिस हुई। 75 क्लास को क्या तुम कवर कर पाओगे? नहीं कवर कर पाओगे। तो मोस्ट मिनिमम छुट्टियां लेनी है, लीस्ट छुट्टियां लेनी है। करियर बनाना एक मिशन का काम है, तुम्हें और हमें मिशन मोड में होना है। अब सवाल उठता है कि क्या मैं मिशन मोड में लग जाऊं, मेहनत कर लूं, तो क्या मैं अपना डिजायर्ड गोल अचीव कर पाऊंगा? तो मैं तुम ही लोगों से एक सवाल करता हूं, तुम में से कोई भी बच्चा यहां बॉडी बिल्डर नहीं है, लेकिन एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं तुमको 1 साल तक कहूं कि रोज जिम आना है और बॉडी बिल्डिंग करनी है, तुम्हारा बदन आज कैसा भी हो, तुम्हारे बदन में शेप में सुधार होगा कि नहीं होगा? और कोई बच्चा कहे कि नहीं सर नहीं होगा, हम 6 महीना से जिम जा रहे हैं, साल भर से जा रहे हैं, 2 साल से जा रहे हैं, तो जिम जाके जो करना है तुम कर ही नहीं रहे। दो तरह की चीजें होती है, इसको आप लोग दिमाग में बहुत अच्छे से हटा ले। एक होता है ब्यूटी पार्लर या मेंस पार्लर। ये बच्ची ब्यूटी पार्लर में जाती है और ये बच्ची 200 रुपए देती है, थोड़ा मेरा आईब्रो सेट कर दीजिए, ऑलराइट। फिर कहती है कि ऐसा करिए 500 रुपए और लीजिए, फेशियल भी कर दीजिए, ओके? फिर कहती है कि ऐसा करिए 500 छोड़िए 700 लीजिए, गोल्ड फेशियल करिए, कहता है ठीक है। और 1 घंटे बाद इसके मुंह पे जो मेहनत करती है चेहरे पर, 1 घंटे बाद देखती है कि आहा चेहरा मेरा खिल गया, ये गई, इसने 1000 रुपया खर्च किया, इसके चेहरे में बदलाव इंस्टेंट आ गया, यस और नो? दूसरी चीज होती है जिम। ये बच्चा जिम को ज्वाइन करता है और जाके कोच को कहता है कि मेरे बदले आप पुशअप्स लगाइए, होगा क्या? तो सिमेज ब्यूटी पार्लर नहीं है कि फीस दे दिए अब आप हमको बढ़िया कर दीजिए। सिमेज इज अ जिम, यहां तुमको फीस भी देनी है और रोज आकर के वजन भी उठाना है। तो वजन उठाने से मेरा क्या मतलब है? मेंटल वर्क, मेंटल जिमिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूं। फीस भी तुमको देनी है और पढ़ाई भी तुम ही को करनी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जिम्स में मैं देखता हूं, ज्यादातर जिम्स में मैं देखता हूं कि लोग गाड़ियों से उतरते हैं और उनका बदन शेप में नहीं है और पता चलता है 2 साल से जिम आ रहे हैं। क्यों? वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे।
दौड़ना है उनको 20 मिनट तक, 5 मिनट दौड़े अच्छा कल दौड़ेंगे, 20 आधा घंटा गप लगा लेते हैं, आ रहे हैं जिम में जो रोज नियम से, असर नहीं होगा। अगर आप मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलना बाउंड है। टेल मी आई एम राइट और रॉन्ग? एकदम राइट। तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, अगर तुम आओगे पढ़ाई करोगे मेहनत करोगे, हमें कौन से बच्चे चाहिए? हमें वो बच्चे चाहिए जो कहें कि अब मैं पढ़ूंगा, अब जैसा आप कहेंगे जितना आप पढ़ाएंगे हम पढ़ेंगे, ये क्वालिटी है तो आप सिमज के लायक हो सकते हैं। अगर ये क्वालिटी है तो इसको समझ लीजिए।